नागदा में पूर्वांचल वासियों के विशेष पर्व पर छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्व को लेकर बिरला ग्राम क्षेत्र से लेकर नायन बांध तक विशेष तरह की प्रकाश व्यवस्था करने का दौर शुरू हो गया, ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पर्व के अवसर पर शाम के समय नायन बांध स्थित तट पर मेले जैसा माहौल भी निर्मित हो जाता है। परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर निर्जल उपवास करने वाली महिलाएं छठ महापर्व पर नदी में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना करती हैं। इसके बाद रात में जाकर भजन कीर्तन कर अल सुबह पुनः सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करती हैं। भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य राकेश कुमार निषाद ने बताया है कि नायन बांध स्थित पुराने पाले पर छठ महापर्व का आयोजन 2 नवम्बर की शाम और 3 नवम्बर की सुबह होगा, जिसे लेकर तैयारियों का दौर जारी है, जिसमें बिरला ग्राम के मुख्य मार्गो से नायन बांध स्थित तट तक पहुंच मार्ग पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई और पेयजल और पहुंच मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था नगर पालिका और ग्रेसिम उद्योग का सराहनीय योगदान रहता है। पूर्वांचल वासियों के महापर्व छठ पर्व पर नायन बांध स्थित तट पर मेले जैसा माहौल होगा, इसी को लेकर सभी तैयारियां जारी हैं। छठ महापर्व पर महिलाओं द्वारा विशेष पूजा अर्चना के बाद आकर्षक आतिशबाजी की जाएगी, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहती है। छठ पर्व पर होने से उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल वासियों द्वारा चंबल तट पर पूजा अर्चना करने वाले स्थल सहित अन्य आवश्यक तैयारियों का दौर जारी रहा, जिसे लेकर दूसरे दिन चंबल तट पर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल वासियों का जमघट लगा रहा। छठ घाट का निरीक्षण करा है कि पिछले गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष वर्षा ज़्यादा हुई है। छठ घाट पे जो पानी का लेवल है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ेगी। इसको लेके प्रशासन की सभी विभागों की एक टीम यहाँ पर आई है और सबने निरीक्षण करके सुरक्षा के जो भी माकूल बंदोबस्त इंतजाम हो सकते हैं वो करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आज या कल, आज से ही सुरक्षा की दृष्टि से जो भी अपने अपने विभाग का काम है वो शुरू हो रहा है। कल फिर एक बार देखेंगे, उसमें जो भी कमी होगी समिति के भी लोग हैं वो भी अपनी राय देंगे। आगे पिछले जो कुछ भी खामियां रही होगी। आप यहाँ पे विजिट करने के लिए पहुंचे हैं, नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे अनुपस्थित हैं, इस संबंध में क्या कहना है आपका? नगर पालिका की अनुपस्थिति निश्चित ही लापरवाही है और घोर लापरवाही की श्रेणी में है। मैं वरिष्ठ अधिकारियों को और हमारे मंत्री स्तर को इसके बारे में अवगत कराऊंगा और निश्चित आगे वाले समय में कुछ न कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध होगी। देखिए, ये छठ पूजा बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। घाट का विजिट इसलिए किया कि पानी बढ़ा हुआ है, पानी के किस सीढ़ी तक बैरिकेडिंग होना चाहिए इसके लिए PWD को निर्देश दिए, किस सीमा तक MPV को लाइट करना चाहिए उसके निर्देश दिए हैं। नगर पालिका के लोग अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, बहुत बड़ी लापरवाही है, नोटिस देने की कार्यवाही कर रहा हूँ। इसके साथ साथ उस टू व्हीलर की पार्किंग का स्थान चयन किया है, 4 व्हीलर की पार्किंग पर हमें देखना है, अभी वो देखेंगे और ये व्यवस्था करेंगे कि किसी प्रकार से भीड़भाड़ ज़्यादा होने की स्थिति में भी अव्यवस्था न हो।